प्रमुख जत्थेदार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस तरह से काम कर रहा है उससे इतना तो साफ है कि यह देश को बांटने का। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इसे प्रतिबंध कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि आरएसएस जिस तरह से काम कर रहा है उससे वह देश में भेदभाव की एक नई लकीर खींच देगा। अब अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से बताया कि बीजेपी तो खुद आरएसएस मानती है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है, यह देश को नुकसान पहुंचाएगा और उसे तबाह कर देगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही संघालय मोहन भागवत ने देश में हो रही मॉब लिंचिंग की अलग अलग घटनाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भीड़ हत्या पश्चिमी तरीका है और देश को बदनाम करने के लिए भारत के संदर्भ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि विजयदशमी के मौके पर यहाँ के रेशमी बाग मैदान में शस्त्र पूजा के बाद स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मॉब लिंचिंग शब्द की उत्पत्ति भारतीय लोकाचार से नहीं हुई, ऐसे शब्द को भारतीयों पर ना थोपा जाए। इस दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की जानी चाहिए, यह एक साहसिक कदम था। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत की सोच की दिशा में एक परिवर्तन आया है जिसे ना चाहने वाले व्यक्ति दुनिया में भी है और भारत में भी, और निहित स्वार्थों के लिए ये शक्तियां भारत को दृढ़ और शक्ति संपन्न नहीं होने देना चाहती। देश की सुरक्षा पर संघ प्रमुख ने कहा कि सौभाग्य से हमारे देश की सुरक्षा सामर्थ्य की स्थिति, हमारे सेना की तैयारी, हमारे शासन की सुरक्षा नीति व हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुशलता की स्थिति इस प्रकार की बनी है कि इस मामले में हम लोग सजग और आश्वस्त हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती जिहड़ी है वह है, और सारी दुनिया के हिंदुस्तान की विलखणता जिहड़ी है वह इस करके है, इतने हिंदू भी रहिंदे है, इतने मुसलमान भी रहिंदे है, इतने जैनी भी रहिंदे है, इतने बोधी भी रहिंदे है, इतने सिख भी रहिंदे है, इतने ईसाई भी रहिंदे है, इतने यहूदी भी रहिंदे है, पारसी भी रहिंदे है, तो बहुत सारिया बोलियां इतने बोलियां जांदियां ने। तो इहो जिहे जिहड़ा एक मुल्क दे विच इह कहना कि इहनूं असीं सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाउणा है, इह बहुत ही जिहड़ा है गलत गल है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।